हम YouTube में स्क्रॉल करते रहते हैं और वहां से हमें मिलता है हेयर ग्रोथ का रेमेडीज, ड्राई हेयर का रेमेडीज, हेयर फॉल का रेमेडीज, ऑयल है, सीरम है, टॉनिक है, बहुत सारे रेमेडीज हमें मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो रेमेडीज को हमें कब यूज करना चाहिए? वीडियो में तो बताते हैं ऐसे यूज करो वैसे यूज करो, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि वो रेमेडीज कब यूज करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप उस रेमेडीज को यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेमेडीज हमें ओवरनाइट रखनी है, कौन सी रेमेडीज हमें आफ्टर हेयर वॉश यूज करनी है, कौन सी रेमेडीज हमें हेयर वॉश से पहले अप्लाई करनी है, कौन सी रेमेडीज को हमें 1 वीक तक अपने हेयर में अप्लाई करके रखना है। तो ये सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इस टाइप का वीडियो आई थिंक किसी ने नहीं बनाया होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे व्यूअर्स को तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेमेडीज हमें कब यूज करनी है जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। क्या होता है कि हम रेमेडीज यूज करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि हमें उसका रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्रॉपर टाइमिंग क्या होती है, कब हमें अप्लाई करना है। हर एक रेमेडीज का एक अपना टाइम होता है, अगर उस टाइम फ्रेम में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले वीडियो हम आगे बढ़ाए उससे पहले, अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जब हेयर ग्रोथ के लिए कोई भी रेमेडीज यूज करते हैं ना, तो उसमें आपको टाइम पीरियड ये देखना रहेगा कि या तो वो 1 वीक हो, या 2 डेज का हो, या 3 डेज का हो, मैक्सिमम इतना होना चाहिए और मिनिमम एटलीस्ट वो ओवरनाइट हो। अगर ओवरनाइट आप रखते हो या फिर 2 डेज रखते हो, 3 डेज रखते हो या 1 वीक रखते हो, तो उससे आपके हेयर में उस रेमेडी का एब्जॉर्ब होने का टाइम भी मिलेगा। आपने उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स अंदर रूट तक जाते हैं, उसका प्रोसीजर होता है अपने हमारे बॉडी में, और फिर जो आउटपुट मिलता है तो उन सब चीजों के लिए टाइम होता है। तो यहाँ पे मिनिमम ओवरनाइट रखना होता है और मैक्सिमम आपको 1 वीक तक रखना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉल है, इसके लिए हम कोई भी रेमेडीज यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो हेयर ऑयल है, हेयर टॉनिक के है, सीरम है, ये सब चीजें आपको ये टाइम पीरियड में लगानी रहती है, जैसे मिनिमम ओवरनाइट और मैक्सिमम 1 वीक। अभी आया हमारा ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए। तो ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए हम क्या लगाते हैं? सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। वैसे मेरा ब्यूटीफिक का हेयर मॉइस्चराइजर है, अगर परचेस करना है तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, नेचुरल है, और ये आपके हेयर की ऑल ओवर हेल्थ को इंप्रूव करता है मेरा मॉइस्चराइजर। और यहाँ पे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो या फिर सीरम लगाते हो या फिर नेचुरल हम कोई भी हेयर टोनर बनाते हैं तो वो हम लगाते हैं, तो उसको हमें लगाना रहता है आफ्टर हेयर वॉश। वो तो सबको पता होगा कि आफ्टर हेयर वॉश ही हम सीरम, मॉइस्चराइजर वो सब हम लगाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर वॉश के बाद हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, तो वहां कंडीशनर नहीं लगाते, उसकी जगह पे हम वो चीज लगाते हैं। तो ये चीज का आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम जब हेयर को स्ट्रेट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए जो मास्क लगाते हैं, तो वो मास्क भी आपको पता है कि वो मास्क हम हेयर वॉश से पहले लगाते हैं। लेकिन वो मास्क हेयर वॉश से पहले लगाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आपके हेयर ऑयल नहीं होने चाहिए, हेयर में ऑयल नहीं होना चाहिए। जब हम ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए जो मास्क बनाते हैं ना, तो उसमें आपको आपके हेयर ऑयलिंग नहीं किया हुआ होना चाहिए, ड्राई हेयर ही होना चाहिए और वॉश किए हुए होना चाहिए, क्योंकि वॉश किए हुए होंगे तो आपके स्कैल्प में और हेयर में गंदगी वगैरह नहीं होगा। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम जो रेमेडीज यूज करते हैं ना, उसका हमें मैक्सिमम हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्कैल्प वगैरह में ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, हमारे इम्प्योरिटी वगैरह निकल गया होगा, तो हम अच्छे से रेमेडीज को अप्लाई भी कर पाते हैं, तो आपके हेयर वॉश किए होने चाहिए। तो ये चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिए। और उसके बाद हम हेयर ग्रोथ के लिए जो मास्क अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप चलेगा कि आप हेयर वॉश से पहले आपके हेयर ऑयल हो तो भी चलेगा, हेयर ऑयलिंग हो तो भी चलेगा, और आप ड्राई हेयर है तो भी चलेगा, तो उसमें आप मास्क लगा सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर आप मास्क लगाते हो हेयर ग्रोथ के लिए, तो स्पेशली उस चीज में आप ये ट्राई करिए कि डर्मा रोलर लगाइए अपने हेयर में, स्कैल्प में, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लॉकेज आ गई है आपके स्कैल्प में, या फिर आपके हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये डर्मा रोलर आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स है उसको ओपन कर देता है,
में अगर आप ये चीज डालते हो तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे मास्क लगाते हैं जो हमें उसका मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिले, तो वहां पे आपको क्या करना है कि उसको हेयर वॉश के बाद डालना है, क्योंकि क्या होता है कि हेयर वॉश के बाद हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, हमारे हेयर में हम जो भी डालते हैं वो डीपली अंदर तक जाता है। तो चाहे वो रिंस हो, चाहे वो आप हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हो, कोई भी रिंस है, कोई भी मास्क है, ऐसा जेल बेस्ड जो मास्क रहते हैं ना, उसको आपको हेयर वॉश के बाद ही यूज करना चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम हमें उसका रिजल्ट मिले। तो इस तरह से आप अपने हेयर में और हेयर की टाइप के हिसाब से, आप अपने हेयर की प्रॉब्लम के हिसाब से, और आप ये जो आपको मैंने बताया उस हिसाब से आप अपने हेयर में ये रेमेडीज यूज कर सकते हैं। अगर इस टाइप से आप रेमेडीज यूज करोगे ना, आपको होम रेमेडीज का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल मैंने यूज किया हुआ है ये सब चीजें, और मेरे हेयर में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, और स्पेशली मेरे हेयर और स्किन दोनों में। तो इस टाइप का अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं स्किन केयर के लिए भी इस टाइप का वीडियो लेके आऊंगी जिसमें भी बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज कब अप्लाई करनी है। तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।